हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर अजय पंडित के बारे में, क्योंकि लुधियाना पुलिस ने गैंगस्टर अजय पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पंजाब के लुधियाना में पारस खत्री को तेज धार हथियार से मौत के घाट उतारने वाले गैंगस्टर अजय पंडित को CIA टू पुलिस ने हिमाचल के ऊना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अजय पंडित पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी कई मामलों में लंबे समय से भगोड़ा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश हिमाचल के ऊना में छिपा हुआ है। ADCP फॉर तुषार गुप्ता की अगुवाई में इंस्पेक्टर बेयंत जुनेजा ने हिमाचल में दबिश देकर इस अजय पंडित को पकड़ लिया है। पुलिस उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। भामिया कला के हुंदल चौक पर बाजार में पारस खत्री और उसके दोस्त अभिषेक पर तेज धार हथियार से हमला किया था अजय पंडित ने, जिसमें पारस की मौत हो गई थी जबकि अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया था। थाना जमालपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। गैंगस्टर अजय पंडित अपराध की दुनिया का नया नहीं बल्कि काफी पुराना खिलाड़ी है। महानगर की कई मारपीट की वारदातों में भी अजय पंडित शामिल रह चुका है और कई लोगों के साथ उसकी रंजिश चलती आ रही है। उसकी सफेद सफारी गाड़ी आज भी लोगों को पूरी तरह से याद है। गैंगस्टर अजय पंडित पीछा कर रही पुलिस पार्टियां पर भी गोलियां चला चुका है। आरोपी गैंगस्टर अजय पंडित के दबदबे को उस समय झटका लगा था जब IPS स्वप्न शर्मा ने आरोपी गैंगस्टर अजय पंडित का काफी दूर तक पीछा कर उसे काबू कर लिया था। इसके बाद अजय पंडित का दबदबा खत्म करने के लिए स्वप्न शर्मा ने उसके कई साथियों को भी काबू कर लिया था। इसके बाद अजय पंडित का खौफ लोगों के दिमाग से निकल गया था। अजय पंडित करीब एक साल पहले जमानत पर जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद वह छुटपुट वारदातों को अंजाम देता रहा, लेकिन उन मामलों का बाद में पुलिस के पास जाने से पहले ही समझौता हो गया था। हालांकि उसका भाई राजन पंडित इस समय सुर्खियों में था। वह गैंगस्टरों के संपर्क में था और महानगर में कई वारदातों को भी अंजाम दे चुका था। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो गैंगस्टर अजय पंडित के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।